आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है इडली डोसा कॉफी। मैं भी सोच कर रही हूँ कि इंडियन फूड व्लॉग्स पाकिस्तान इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ही कुछ है या कुछ ये डिफरेंट होगा वीडियो में, या तीनों अलग अलग चीजें। एग्जैक्टली। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। All is well. तो भाई IDC में हम आ चुके हैं। बटर कट्टा इडली डाल रहे हैं। शॉप का नाम होगा इडली डोसा। वो लिखा था IDC। क्या कितना अच्छा था ये तो पहले भी मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस में से। सलाम नमस्ते सत्याकार दोस्तों, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सफारी बंदर गट्टा। जो जानते हैं बेंगलोर कनाडा उन्हें पता होगा। और सुबह निकले हैं 7-8 बजे और अब हम आए हैं यहाँ पे। जो बेंगलोर में रहते हैं वो जानते हैं IDC इडली डोसा कॉफी। दोस्तों जैसे नाम से ही जाहिर है कि IDC की स्पेशलिटी जो है वो इडली डोसा और कॉफी में होगी। तो चले चलते हैं और कुछ ट्राई करते हैं। तो भाई IDC में हम आ चुके हैं। ये पूरे बेंगलोर में जगह जगह मौजूद है। अंदर बहुत रश है भाई लोगों का। इंटरनेशनल चेन्स की तरह यहाँ पे भी एक डिजिटल स्क्रीन थी ऑर्डर देने के लिए। सिंपल कहा साथ ही में टेक्नोलॉजी पे बैठ के आप नहीं, सीटिंग बहुत सिंपल है और डिसेंसी भी मौजूद थी। भाई हम किचन काउंटर की तरफ अब जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मजे मजे की चीजें बन रही हैं। सेल्फ सर्विस होगी लग तो रहा। किचन काउंटर पे एक बड़े से तवे पे मजे मजे के डोसे बन रहे थे भाई, देख के मुंह में पानी आ गया। तवा कितना बड़ा है। तो दोस्तों डोसे खाने का एक्सपीरियंस तो एक जगह, लेकिन जो डोसे बनते देखने का एक्सपीरियंस था यार, उसका अलग ही लेवल था। मैं बहुत ही इंजॉय कर रहा था। शायद मैंने पहली दफा देखे थे इतने सारे डोसे बनते हुए एक साथ। और जिस तरह मसाले डोसे में आलू डाल रहे थे, घी डाल रहे थे, जैसे परफेक्शन से यार वो काम कर रहे थे, मजा ही आ गया देख। और स्पेशली जब इतने मजेदार आप डोसे बनते देखे और साथ में ये जहाँ पे चम्मच वगैरह रखे हैं और हाइजीन का इतना ख्याल रखा है, तो भाई दिल बिल्कुल और भी खुश हो जाता है। भाई साहब कैसे इडली पे भाई घी डाल रहे हैं और इसको और मजेदार बना रहे हैं। तो जब आप खा रहे होते हैं तब आपको ये रियलाइज नहीं होता कि उस टेस्ट के पीछे कितना काम किया गया है। ये तो है। बेसिकली दो डोसे ऑर्डर किए, एक सिंपल डोसा प्लेन डोसा और दूसरा मसाला डोसा। तो दोनों को ट्राई किया। मैं थोड़ा टेक्निक समझ रही थी डोसा कैसे बना रहे हैं। समझ लगी? हाँ, मतलब हम लोग बहुत पतला करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में मोटा बन जाता है। तो इट मींस इट्स ओके अगर मोटा बन भी रहा है। बहुत ही मजेदार था, बहुत ही क्रिस्पी था और अंदर जो आलू थे वो भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और चटनियाँ तो आपको पता ही है मेरी फेवरेट है। साउथ में जो भी खाना लेते हैं बहुत ही मजे की चटनियाँ होती हैं। यहाँ पे इडलियाँ भी बहुत सी तरह की थी, आप देख सकते हैं कितनी यमी यमी ये इडलियाँ बना रहे हैं। तो हमने सबसे फेमस वाली इडली यहाँ पे ट्राई की। तो खाते हैं यार, ये तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूं ऐसे वाली इडली। इनकी घी वाली इडली ऑर्डर की और यार आप देख सकते हैं कितनी ही मजेदार लग रही है। और जब इसको कोकोनट चटनी और सांभर के साथ और डिफरेंट चटनियों के साथ खाया तो भाई मजा ही आ गया यार, क्या बात है। चाय
तो मैंने बहुत पी है, लेकिन जिस तरह ये चाय सर्व कर रहे थे शायद मैंने जिंदगी में पहली दफा ऐसी स्टील की प्यालियां देखी हैं। कप भी स्टील का था और छोटी सी प्याली थी स्टील की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए। छोटी सी देश की होती है तो बच्चों के ट्राई ना ठंडी की, और जब पी के देखी तो यार यकीन करे दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो चाय तो सेम ही होती है शायद, लेकिन स्टील के कप में पीने का जो मजा था वो शायद पहली दफा ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी नाश्ता तो हो गया और अब हम निकल रहे हैं बाहर और अपना सफर जारी रखेंगे। तो भैया ये गाड़ी है और हम जाएंगे अब अपने सफर की तरफ। यार ये बड़ा एक अच्छा एरिया लग रहा है भाई। ये फ्यूल देख लें कितने का है जी, 101 का हो गया लीटर। पुराने पाकिस्तान की याद करा रहा है, फ्यूल थोड़ा बड़ा है। तो हमारी गाड़ी में डला है जी 30 लीटर भी डल चुका है। 101 का है भाई ये, भारत पेट्रोलियम में हम मौजूद हैं इस टाइम। निपॉन ब्रांड यहाँ पे भी है, आज पता लगा ये इंटरनेशनल ब्रांड है। यार ये ऑल इज वेल भैया, ये देखो यहाँ पे बनी थी। मुझे वैसे भी पता चला तुम्हें यहाँ पे मुझे भी खान और वो सारे हालांकि शुरू में ग्लिम्स किया दिखाया था उन्होंने। तो बेंगलोर की खूबसूरत सड़कों पे हम रवा दवा हैं और जा रहे हैं बनरगट्टा नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत सफारी पार्क है। और मैं बहुत ही एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए, और रास्ते भी हम बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे आसपास ग्रीनरी नज़र आ रही है और काफ़ी क्वाइट सा एरिया हो गया है ये। इतनी यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है और शायद दुकानें शॉप्स वगैरह वो भी आपको कम नज़र आएंगी। स्कूल ये बड़ा तो फेमस स्कूल है भाई, ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन सारा साल ये बोर्ड लगा रहता है एडमिशन। तो भाई बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में आ चुके हैं, देखें यहाँ की खासियत। पाम ट्रीज सबसे बड़े नारियल ट्रीज है, कौन से कोकोनट। हाँ ये देखें वो कोकोनट लगे हुए ऊपर, अरे भाई कोई भी तोड़ के खा ले ऐसा चढ़ सको तो देख रहे भाई। ये बेंगलोर का गांव है एक PMTC की बसेस यहाँ पे। वेलकम टू बनरगट्टा सफारी पार्क। तो बनरगट्टा सफारी पार्क की पार्किंग में पहुंच चुके हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि अब यहां पे गाड़ी पार्क करके हम जाएंगे पार्क के अंदर। तो दोस्तों पार्क में एंटर होने से पहले बहुत ही ज़्यादा स्विनियर्स की शॉप्स थी और डिफरेंट रेस्टोरेंट बने हुए थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। मैंने पहली दफ़ा ऐसे स्विनियर्स देखे थे जो कि साउथ इंडिया के ट्रेडिशन को और इंडिया का जो कल्चर है ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जहाँ मोशी भाई जाएँ वहाँ पर खाबे शाबे ना ढूंढें कैसे हो सकता है। तो यहाँ खाबे की भी दुकान मौजूद थी, अन्नपूर्णा होटल, क्योंकि अभी हम खा के आए हैं तो इसलिए वापसी पे यहाँ की कोई चीज़ ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इस शॉप में सारे सुवेनियर जी वुडन थे और बहुत ही खूबसूरत और क्या क्लास का आर्टवर्क हुआ हुआ था। तो एक और सुवेनियर शॉप पर जी हमें और बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आईं। एक हैंड फैन भी नज़र आया जो कि इस गर्मी के मौसम में बड़ा काम का था बेसिकली। और तो और हमें थंडर कैट वाली तलवार भी यहाँ पे मिल गई। ऑल दो ये सुबह का टाइम था लेकिन यहाँ पे रश देख के भाई मैं हैरान था कि इतनी सुबह सुबह इतने लोग यहाँ पे आए हुए। ये देखे भाई फाइनली जी झाड़ के बाद लाइन में आ गया बेचारा।
तो नेशनल पार्क का कंप्लीट विजिट हम आपको अगले व्लॉग में कराएंगे। तब तक आप अपना और आसपास वालों का ख्याल रखें, मोशी भाई का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। भाई मोशी भाई के ब्लॉग में ना स्टार्टिंग में जो है ना आपको खाने जो है ना वो दिखना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं लेकिन उस रेस्टोरेंट की सारी जो स्पेशलिटी वो ट्राई करते हैं। बिल्कुल, हालांकि इडली डोसा पहले भी उनके काफी सारे ब्लॉग्स में हम लोग देख चुके हैं लेकिन ये हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो देख देख के ना मुझे थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाना कि भाई जब हम लोग सोचते हैं ना कि बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए लाइक डोसा जो है, अगर वो थोड़ा मोटा भी उसकी लेयर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज मैंने नोट किया है कि अगर हो सकता है वैसे मैं गलत भी हूँ, जो हम लोगों ने नॉर्थ साइड पर यानी कि दिल्ली वगैरह में जो हम लोग डोसा देखते हैं वो मैं देखती हूँ बहुत ही थिन क्रस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है जो साउथ साइड वाली में आते हैं वो थिन और थिक दोनों लेयर जो है वो नजर आती हैं। यार देखें हर जगह का अपना टेस्ट और बनाने वालों के अपने अपने जो है वो तरीके जो है वो होते हैं। वैसे मैंने इतना जो है वो नोट नहीं किया, मैं तो भाई जैसे ही खाना सामने आता तो उसका कलर देखकर मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता तो मैं उस चीज पे जो है ना वो ज्यादा फोकस जो है वो करता हूँ। नहीं नहीं मैं ये चीज ऑब्जर्व करती क्योंकि मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत दफा बनाने की कोशिश की है ना तो हमसे वो पतला इतना बनता ही नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे बनता है कैसे बनता है। इनफैक्ट वीडियोस भी देखते हैं ना जिसमें डोसा बनाना सीखते हैं उसमें भी ना बहुत थिन लेयर बनाना सिखाते हैं। तो बट ये कि साउथ वाली साइड पर मैं देखती हूँ कि काफ़ी वेरिएशन आपको नजर आती हैं, तो मुझे लगता है कि जो बोल के बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो एक्सपर्ट्स नहीं होते बहुत ज़्यादा थिन लेयर बनाने में उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। और हम लोग ना एक और मुझे आज एक गलती नज़र आई हमारे डोसा बनाने में कि हम लोग ना बहुत थोड़ा ऑयल लगाते हैं और उस ऑयल में वो फिर सही से पकता भी नहीं है। अब इन्होंने देखो इन्होंने अच्छा खासा ऑयल लगाया है जो है ना आप वो हेल्थ वाले अब बनाती है ना कि कम ऑयल लगे तो क्या नाम लेते हैं वो। हाँ ये भी एक पॉइंट है बिल्कुल सही बात है ज्यादा जो है फील ना हो, लेकिन अगर देखा जाए ना फिर भी वो ऑयल अगर ज्यादा लगा रहे थे तो इतना फील नहीं था हो रहा जब वो बिल्कुल कुक होकर सामने आया था ना, जितना रिक्वायर्ड था ना उतना लगा रहे थे। मतलब ज्यादा से मुराद ये है कि मेरे से ज्यादा लगा रहे थे कि मैं ये सोचती थी कि शायद बहुत कम लगता है इसमें, तो उसके क्या वो ड्रॉपर से दो चार कतरे डाल दी थी। नहीं मैं सिर्फ ऐसे ना ब्रश के साथ वो कर दिया करती थी पैन को और उसके बाद ऊपर ऐसे बना दिया करती थी डोसा। तो अच्छा अच्छा भाई स्टार्टिंग में मैं समझा था भाई शायद कोई स्पेशलिटी इडली डोसा कॉफी, वो बाद में पता चला वो एक ब्रांड है IDC। मुझे लगा था शायद पता नहीं कि मिक्सचर करके कुछ कॉफी टाइप चीज बन देखने को मिलेगी। वैसे अगर हम लोग ऐसे सोच ही रहे थे तो मतलब हमें ये सोचें कि हम कैसा सोच रहे थे कैसा इडली कॉफी डोसा कॉफी। एग्जैक्टली शायद कोई फ्लेवर भी हो सकता है, मुझे भी यही लगा था उसमें कॉफी ऐड करके इडली में जो है कॉफी का टेस्ट दिया। यार अगर इमेजिन करो अगर ऐसा हो तो कैसी कॉफी बनेगी ना। यार वैसे इंडिया में आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो देखने को तो मिलते हैं क्योंकि मैंने बड़ी देर पहले एक रील देखी थी भाई फेंटा के साथ गोलगप्पे जो है वो दे रहा था बंदा ना, तो कॉफी किसी ने ट्राई कर ली हो इसमें और वो अच्छा टेस्ट आया हो तो मैं उस लिहाज से जो है ना सोचा था, लेकिन IDC बेसिकली एक ब्रांड है। बिल्कुल, और मुझे अच्छी चीज ये लगती है कि सिंपल आपको जगह देखने को मिलती है और खाना जो है ना बहुत ही मतलब जितनी भी जगह बहुत हाइजीन होती हैं वो जगह, और मतलब इवन के जो किचन भी सामने नजर आ रहा था वो बहुत साफ सुथरा था, तो ये चीजें मुझे लगता है बहुत मैटर करती हैं और प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल 40 रुपीज यार। और मैं कहूंगा कि ये आपको जो है ना ये फाइन डाइनिंग ही थी। हाँ, ठीक है ना, लेकिन अगर आप प्राइसेस की बात करें फाइन डाइनिंग में प्राइसेस बहुत ज्यादा आपको इकोनॉमिकल जो है वो देखने को मिले। ये इस तरह की बंदा जो है ना हर दूसरे या तीसरे दिन जाकर जो है ना खा सकते, दोस्तों को भी खिलाते हुए तकलीफ नहीं होगी अपनी जेब से। मौसम को होगी तुझे तब भी होगी, तो कहेगा भाई ठीक है एक दो मरदा हो गया पर रोज का तुमने काम बना लिया। अच्छा वैसे मैंने ना एक और चीज मैंने देखी है, मैं नहीं सॉरी इंटरव्यू मुझे तो नहीं होगी दोस्तों को, यार तू क्या हर बार हम आते हैं डोसा खिलाने ले आता है। ओके सो बेंगलुरु की मुझे एक और चीज मतलब जो व्लॉग्स देखकर पता नहीं मुझे इसके रोड्स ना एक ही तरह की लगती है, इतनी ग्रीनरी है और दरख्त इतने सिमिलर से लगते हैं मुझे, मुझे लगता है ये वही वाली रोड है जो हम लोगों ने पहले देखी हुई, मुझे ऐसा फील होता है। असल में वो ग्रीनरी की वजह से क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि भाई जब जो है ना कोई रोड बनता है दरख्त काट दिए जाते हैं तो फिर एक डिफरेंट लुक आपको देखने को मिलती है, लेकिन फिर आपको जो है ना साउथ में यही ज्यादा देखने को मिलता है कि भाई आपको ग्रीनरी बहुत ज्यादा जो है ना वो शहरों के अंदर भी जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा और इडली की मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ कि इडली नॉर्मली हम लोगों ने देखी है वही रवायती तरीका के जो मतलब राइस पुडिंग उतना सा और फिर इसके पास साथ सॉस जो मिल जाती है
सॉरी कोकोनट कोकोनट और सांबर फिर से सांबर सांबर सो ये मिल जाता है लेकिन उसके ऊपर मतलब सांबर जो है छोटी छोटी इडलियां और उसके ऊपर सांबर डाल के फिर और साथ में कोकोनट चटनी उन्होंने दी थी ये डिफरेंट था आज की वीडियो में है ना? हाँ ये डिफरेंट था लेकिन जो है ना वो जो एक और जो उन्होंने मंगवाई थी इडली वो काफी बड़ी थी हाँ तो वो वही तो कह रही है वो तो रवायती तरीका है ना कि मतलब इडली यहाँ पर हम अगर देखें ना यहाँ पर आपको छोटी छोटी मिलती है वो जो यहाँ पे कहाँ पे मिलती है बताओ जरा यार वो हमने इस्लामाबाद में जो खाई थी खुदा का वास्ता वो तो कभी कोई ना खाए इतनी बदजायका थी ना जाने कोकोनट की चटनी नहीं थी मजेदार हालांकि यहाँ पे लाहौर में जो हमने खाई थी वो बहुत अच्छी थी तो वो मुझे असल में वो तो तब हम लोगों को ये नहीं पता था ड्रम स्टिक्स क्या होती हैं तो वो जो सांबर था ना वो भी अल्लाह माफी दे तो बतवा मैं कहती हूँ कभी कोई वहां पर ना जाए साउथ इंडियन फूड खाने के लिए यार हो सकता है उनका टेस्ट बेहतर हो गया हो हाँ हो सकता है भाई हमारा तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था अच्छा, अच्छा, जिन लोगों ने ब्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा अच्छा, वैसे मजे की बात है इमानदी जो है ना जो स्पेशल जगह सर्च करके जाती है ना इमानदी को वहाँ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता मेरा बैड एक्सपीरियंस रहता है इनफैक्ट मैंने ये भी चीज बड़ी नोट की है कि अगर मैं कुछ मेन्यू में नया कुछ ट्राई करूँ ना तो भी वो बहुत बुरा मेरा मतलब निकलता है जो नया ऑप्शन हाँ बड़ा एक्सपीरियंस गलत सा आ जाता है इसलिए अब मैंने सोचा हुआ कि मैं पहले पूछ ही लेती हूँ भाई मुझे ये बता दो अभी स्पेशलिटी क्या है बट पता क्या मैं ज़्यादातर जाती हूँ ऐसे रेस्टोरेंट में जो मतलब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इंडियन फूड हम लोग ट्राई कर सकें लेकिन अब उस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा एक होता था ना कि नहीं हम लोगों को भी खाना है हम लोगों को भी शायद पाकिस्तान में अवेलेबल हो तो बड़ा वो ना लगता था कि हाँ पाकिस्तान में भी मिल रहा है तो अब तो थैंक गॉड कि हम लोगों ने खा लिया तो एक शांति हुई है अंदर की भाई हम लोगों ने फूड टेस्ट कर लिया है लेकिन हाँ अभी भी लाहौर में अगर किसी भी जगह पर हो एक दो रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर जाना पेंडिंग है मेरा क्योंकि वहां पर भी इंडियन फूड जो है वो मिलता है सो देखते हैं कि कब जाते हैं वहां लेकिन पर। जो है ना जो राले टपकती हैं वो कराची का स्ट्रीट फूड देके टपकती हैं यार सीरियसली कराची में वाकई आपको जो है ना आपको वहां का लोकल फूड आपको इंडियन फूड और मिक्स कुजींस आपको बहुत ज्यादा वहां पे देखने अच्छा एक और रेस्टोरेंट जो इंडियन रेस्टोरेंट में मुझे ना मतलब चीज नजर आती है वो चाहे मतलब इंडिया में हो मतलब जो हम वर्चुअली देखते हैं या जो हम लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया है के ना देखो जो रेस्टोरेंट होते हैं ना वहां पर एक ही टेबल पर जो मर्जी आकर बैठते हैं है ना ये चीज यहाँ पर ये चीज नहीं होती नहीं है यहाँ मतलब पे कोई आकर ना एक बार यूं बंदा देखते मतलब हैं मतलब हाँ जी क्यों बैठे हैं हम बैठे हैं टेबल पे आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर ये वाला सीन तो लेकिन लड़के लड़के फिर भी एडजस्ट कर जाते हैं लेकिन अगर फैमिली मतलब आप ना कुछ ज्यादा ये वो वाली बात है नहीं नहीं क्योंकि फाइन डाइनिंग में कभी भी हाँ, फाइन डाइनिंग में नहीं वैसे अगर जो है जो आप स्ट्रीट फूड जिसे कह लो वहां पर औरतें भी एडजस्ट कर लेती हैं सारी नहीं करती पता नहीं फिर वो कौन सी औरतें होती हैं मतलब ढाबों पर आकर उन्हें एडजस्ट ही नहीं करना लेकिन ये कि मतलब मैं ये बात कर रही हूँ अभी जैसे हम लोगों ने IDC देखा है इस तरह का भी अगर कोई कैफे होगा आई डोंट थिंक वहां पर लड़के लड़के भी जो है वो मुख्तलिफ लोग जो जो जानते भी नहीं वो एक ही जगह पर आकर बैठ जाएंगे बिल्कुल तो ये मैंने एक डिफरेंस जो है वो देखा है कि ट्रेंड ये वाला चेंज है ना बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर इसका कल्चर लेकिन एक और चीज है कि अगर जैसे हम लोग जाकर मतलब बैठते हैं ना और खाते हैं तो आपको अजीब भी नहीं लगता है ना जैसे अगर तुम्हें याद हो कि सिंगापुर में जब हम लोगों ने खाया था जहाँ पर थाली खाई थी सबसे पहली जगह पर बिल्कुल बिल्कुल तो सब लोग साथ साथ बैठते हुए अजीब तो नहीं लगा था ना हम लोगों ने बड़े बड़े मजे से खा लिया था एनीवे गाइस ओवरऑल ये थी हमारी आज की वीडियो लेकिन सफारी पार्क का तो मोदी ने जिक्र ही नहीं किया सफारी पार्क जो है नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे इसमें तो डेमो ही दिया है तो नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे अच्छा जाने से पहले बोलना चाहते मुझे सोवेनियर्स बहुत अच्छे लगते हैं किसी भी जगह खरीदती नहीं क्योंकि महंगे बड़े होते हैं मुझे इंडिया में नहीं पता लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ी खूबसूरत होती हैं और मुझे अच्छी भी लगती है क्योंकि बहुत कलरफुल सी होती है हाँ बिल्कुल खासतौर पर उन्हें जो अच्छे वाले होते हैं ना उन पे सफाई बहुत अच्छी हुई होती है इनके जो उनका बनाने का तरीका होता है बहुत अच्छा होता है और कलर्स जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बड़े खिलते हुए आपको जो है ना अट्रैक्ट करते हैं कलर बिल्कुल एनीवे गाइस हमारी आज की वीडियो के साथ गुड बाय।